हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं। तो आइए साथियों, उन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको हमने एक अलग से वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। आइए, पहला प्रश्न, प्रश्न एक है, विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, तो इसका आंसर होगा एनसीएफ 2005। प्रश्न संख्या दो, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, तो इसका उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या तीन, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था, तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर एसपाल। प्रोफेसर एसपाल जो थे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो हमने बताया था कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। प्रश्न संख्या पाँच, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से होता है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, उत्तर होगा शांति के लिए शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 में बताया गया है क्या, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालयों कक्षा का वातावरण में बताया गया है। हमने बताया था एनसीएफ 2005 पांच भागों में विभाजित है, उसी का एक अध्याय विद्यालयों कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है, उत्तर होगा वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो उत्तर है लैटिन भाषा का। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि एन सी एफ में सी का क्या मतलब है, तो सी का मतलब है करिकुलम, जिसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न संख्या 10, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, तो सन 2005 में बनाया गया। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, सभी स्तर, उत्तर होगा सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला एनसीईआरटी के मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एसपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि संचालन समिति में 35 मेंबर थे, कितने 35, और जो एनसीएफ का निर्माण करने वाली समिति थे उसमें 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, उत्तर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है, तो उसका उत्तर होगा त्रिभाषा फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, त्रिभाषा फार्मूला में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन कौन सी हैं, तो प्रथम हिंदी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा, द्वितीय अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू आदि। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, तो क्या मानने से बचा जाए, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है, तो उत्तर होगा एनसीएफ 2005 में ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, तो उत्तर है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का भाव निहितार्थ है। प्रश्न संख्या 20, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, उत्तर यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं, और एनसीएफ 2005 मानता है कि बच्चों की गलतियां अधिगम का अंग हैं। शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है पाठचर्या के बोझ को कम करना।
शिक्षा बिना बोझ के, इसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। इसमें इस प्रश्न पूछा जाता है और चार ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ये ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 22, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो उत्तर है, एक अच्छा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। गणित को एक सब्जेक्ट के रूप में न किया जाए, उसे दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाए। प्रश्न कहते हैं, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो यहाँ उत्तर होगा, गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। तो गणित में लंबी आकृति का मतलब होता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना, यानी दो संकल्पनाओं को आपस में जोड़ना। प्रश्न संख्या 25, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो उत्तर है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान को सीखना ही एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। प्रश्न संख्या 26, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई थी। एनसीएफ 2005 बल देती है किस पे? करके सीखने पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसा प्रश्न? इंपॉर्टेंट प्रश्न। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। प्रश्न संख्या 29, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है, तो किसका महत्व दिया गया? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न संख्या 30, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये 1993 ईस्वी में आया हुआ था। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किन सुधार को सुझाया गया है? तो उत्तर होगा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन और पोर्टफोलियो आकलन को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो आंसर होगा, रचनावाद की। किसकी? रचनावाद की। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस वाद पे आधारित है? तो रचनावाद पे आधारित है। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, सुविधा दाता या सुविधा प्रदाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। प्रश्न संख्या 32, एनसीएफ 2005 की पांच मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? उत्तर, एनसीएफ 2005 के पांच मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर एक, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला सिद्धांत। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त हो करना। पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगी कि वह बच्चों को चौमुखी विकास कराए, यानी पाठ्यचर्या इस प्रकार से निर्धारित की जाए कि बच्चों का चौमुखी विकास हो। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, यानी परीक्षा और कक्षा सब कुछ बाल केंद्रित हो जाए। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसे प्रजातंत्र राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी राष्ट्रीय हित के मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित करना और राष्ट्रीय मूल्यों का विद्यार्थियों में विकास करना। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर का भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो कैसा माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा। बताया गया है, एनसीएफ 2005 में बताया गया कि प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उसका माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए, और उसके बाद जितनी भी शिक्षा हो वो त्रिभाषा फार्मूला पे आधारित होनी चाहिए। साथियों, ये थे आज के कुछ एनसीएफ पे आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने अलग से वीडियो में बना करके आप लोगों के लिए अपलोड किया है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, पढ़ें और इनसे आगे आने वाली परीक्षा में लाभ उठाएं।
फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डीएस क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।